हेलो दोस्तों, TGT 2016 कला विषय जो परीक्षा हुई है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, उसमें गलत प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके उत्तर आयोग को बदलने ही बदलने हैं। ऐसे प्रश्नों में एक प्रश्न है 1508 से 1511 ईस्वी में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था। इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल सेंजियो और उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में आयोग ने जो उत्तर जारी किया है वह चौथा जारी किया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, जो पूरी तरह से गलत है। और इस प्रश्न का सही उत्तर राफेल सेंजियो है और इस बात के प्रमाण कई किताबों में है। चाहे आप रवि शाखाकर की ले लीजिए, ममता चतुर्वेदी की ले लीजिए या अशोक की ले लीजिए, सभी किताबों में स्पष्ट रूप से द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग के निर्माणकर्ता राफेल सेंजियो हैं। तो इसलिए यह प्रश्न बदला जाएगा और इसका उत्तर सी अर्थात राफेल सेंजियो सही किया जाएगा। इसके अलावा एक और प्रश्न है और उस प्रश्न के भी उत्तर बदले जाएंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महावीर 24वें तीर्थांकर का जन्म चित्रित किया गया है। इस प्रश्न में जो विकल्प दिया गया है उसमें चौर पंचाशिका, दिव्यावदान, कल्प सूत्र और प्रज्ञापारमिता शास्त्र है। इस प्रश्न में आयोग ने जिस विकल्प को सही किया है वह दिव्यावदान है, जबकि यह प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर कल्पसूत्र है, क्योंकि कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित पोथी है और इस बात के प्रमाण कई किताबों में दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का भी उत्तर बदला जाएगा और यह दिव्यादान की जगह पर कल्पसूत्र माना जाएगा और यही पूरी तरह से सत्य है। अगला जो प्रश्न है वह है मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है। इस प्रश्न में विकल्प के रूप में असित कुमार हल्धर, एस आर खास्तगीर, बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेढ़ दिए गए हैं। इस प्रश्न में आयोग के द्वारा हरिहर लाल मेढ़ को सही किया गया है, जबकि सही उत्तर असित कुमार हल्धर होगा और असित कुमार हल्धर मेघदूत चित्र श्रृंखला बनाए, इस बात का उल्लेख कई किताबों में है, जितनी भी कला की प्रसिद्ध किताबें हैं। हालांकि असित कुमार हल्धर और हरिहर लाल मेढ़ दोनों ने मेघदूत चित्र श्रृंखला चित्रित किए हैं, लेकिन असित कुमार हल्धर पुराने हैं, पहले के हैं, इसलिए असित कुमार हल्धर को वरीयता दी जाएगी। और इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। विकल्प के रूप में महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी और हम्पी दिया गया था। इस प्रश्न में आयोग के द्वारा बादामी सही किया गया है, जबकि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम और महाबलीपुरम दोनों मिलता है। हालांकि पहली राजधानी कांचीपुरम थी, दूसरी महाबलीपुरम है। तो इस प्रश्न में आयोग के द्वारा दोनों भी सही किया जा सकता है, कांचीपुरम और महाबलीपुरम, या हो सकता है आयोग ए और बी में से कोई सही करे। लेकिन जो बादामी आयोग के द्वारा उत्तर दिया गया है वह पूरी तरह से गलत है, इसे भी आयोग को बदलना पड़ेगा। और अब यह आयोग पर निर्भर करता है कि वह या तो फुल मार्क दे दे या तो ए और बी दोनों में से किसी को चुने, या ए और बी दोनों को सही कर सकता है, वह आयोग के ऊपर है। दोस्तों, ये चार प्रश्न हैं जिन पर आयोग को उत्तर बदलना ही होगा। हालांकि
बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिस पर बहुत से परीक्षार्थी असंतुष्ट हैं और ऐसे प्रश्नों की संख्या 10 से अधिक है, परंतु ये चार प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हालांकि बहुत से परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्होंने आपत्ति और प्रश्नों पर लगाई है। अब देखना है कि आयोग इन चार प्रश्नों के अलावा और किन किन प्रश्नों के उत्तर को सही करता है, यह आयोग पर निर्भर है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ और भी प्रश्न हैं जिसके आपके पास प्रमाणित तथ्य हैं, तो उसे आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिससे आप असंतुष्ट हैं इन चार प्रश्नों के अलावा। और हमारी तरफ से आपके बेहतर भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग इस परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें बधाई, और जिनको लगता है कि अभी सफलता इस पेपर में मुझे नहीं मिलेगी, वे लोग तन मन से जुट जाएं अगली परीक्षा के लिए।